आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुक करते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की ओर, जो खाद्य तेल से है। बता दें, खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। दिल्ली के तेल तिलहन मार्केट में आज भी कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। बता दें, कीमतों में सरकार द्वारा आयात शुल्क में कमी करने की अफवाह की वजह से भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं ग्लोबल मार्केट की बात करें तो मलेशिया एक्सचेंज में 3.25% की तेजी देखने को मिली है। वहीं शिकागो एक्सचेंज में 1% की तेजी देखी जा रही है। सूत्रों ने कहा है कि शुल्क कम किए जाने की अफवाह की वजह से खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट आई है। सूत्रों ने कहा, सरकार की ओर से आयात शुल्क में $90 प्रति टन की कमी करने की अफवाहों के बीच मलेशिया ने तेल कीमतों में $80 का इजाफा कर दिया है, जिससे कीमतों में बहुत मामूली कमी आने की संभावना है और दूसरी ओर इससे देश के राजस्व का नुकसान भी होगा। आपको बता दें कि आयात शुल्क कम ज़्यादा करने की जगह सरकार को तिलहन के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर देना होगा, क्योंकि इससे ही हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता को ख़त्म करने में मदद मिल सकती है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि मंडियों में सरसों की आवक घटने की वजह से सरसों दाने की कीमतों में सुधार आया है, जबकि सरसों के बाकी तेल के दाम पूर्व स्तर पर रहे हैं। वहीं मांग होने के बीच सोयाबीन तिलहन के दाम पूर्व स्तर पर रहे। वहीं सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट भी आई है। सीपीओ और पामोलियन तेल के दाम भी गिरावट के साथ बंद हुए। साथ ही बिनौला तेल कीमतों में गिरावट रही, जबकि मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बने दिखाई दिए हैं। तो ये थी बड़ी खबरें, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।